चौराहे पे अगजा लगाया जा रहा है, तो इसके लिए क्या सुरक्षा, क्योंकि यहाँ पे बिजली की तारें भी बहुत सारी है, खंभा भी है। इसीलिए हम लोग रोड पर नहीं करके पार्किंग में मतलब इसका व्यवस्था कराया गया है, और बिजली की तार वगैरह यहाँ पर नहीं है। हम लोग तो पूरा उस पर निगरानी रखे हुए हैं, किसी इस तरह का कोई बात नहीं है। ट्रैफिक नहीं है, फिर भी जो गाड़ी जा रही है, क्या आप लोग उसको चेकिंग कर रहे हैं कि कहीं शराब तो नहीं जा रहा है? हाँ, हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, मतलब उस तरह का, मतलब जहाँ शक होता है उस गाड़ी को रोक कर करके उसको चेकिंग कर। होली उमंग का चीज़ है, सभी भाई बहन मिल करके होली अच्छे से खेलें, भांग गांजा भी नहीं छुए, प्रेम आपस में बनाए रखें, प्रेम से अपना होली खेलें। हम अपना अपनी ड्यूटी में हम लोग लगे हुए हैं, ऐसे प्रशासन हम लोग 24 घंटा सतर्क रहता है, ऐसा व्यक्ति मिलता है तो उसको हम लोग पकड़ करके बंद करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूँ आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, होली का त्यौहार आ चुका है और इस वक्त मैं पटना के बोरिंग रोड चौराहे पे खड़ी हूँ। वही वो बोरिंग रोड चौराहा है जहाँ पर खचाखच भीड़ भरा रहता है, स्टूडेंट्स हो या फिर यहाँ ऑफिशियल वर्क वाले लोग हो, थोड़ी सी भी जगह नहीं बचती चलने के, जहाँ पे हमेशा रस भरा रहता है। लेकिन ये भी देख लीजिए, मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगी कि दिखाने के लिए कि आप दिखाइए कि चारों तरफ सुन सपाटा पड़ा हुआ है पटना, यहाँ पे लोकल जो है बहुत कम है। साथ में ये भी बोलूँगी कि देखिए, पटना में अभी सुरक्षा बढ़ाई गई है होली को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर बिहार में शराबबंदी 2016 से है, और शराबबंदी को लेकर भी यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। होली का त्यौहार है और शराब फिर भी हर जगह मिलते हुए नज़र आ रहा है, तो एक चीज़ है कि यहाँ पे सुरक्षा कैसे बढ़ाई गई है, कितनी तैनात है यहाँ कितना जो पुलिस है, तो चलिए उनसे भी जानेंगे। जैसे कि मालूम है सबको कि 2016 से बिहार में शराबबंदी है, लेकिन अभी होली का त्यौहार है और इसमें हर जगह शराब दिख रही है, तो इसको लेकर आप लोग क्या सुरक्षा यहाँ पर? नहीं, हम लोग तो पूरा उस पर निगरानी रखे हुए हैं, किसी इस तरह का कोई बात नहीं है। जहाँ उस तरह के दिखेगा मतलब तुरंत मतलब बड़े पदाधिकारी को सूचना देंगे। हाँ, तो सर अभी अगजा भी है, आज चौराहे पे अगजा लगाया जा रहा है, तो इसके लिए क्या सुरक्षा, क्योंकि यहाँ पे बिजली की तारें भी बहुत सारी है, खंभा भी है। इसीलिए हम लोग रोड पर नहीं करके पार्किंग में मतलब इसका व्यवस्था कराया गया है, और बिजली की तार वगैरह यहाँ पर नहीं है। जी। तो सर अभी जितने भी ट्रैफिक, जैसे अभी उतना ज़्यादा तो ट्रैफिक नहीं है, फिर भी जो गाड़ी जा रही है, क्या आप लोग उसको चेकिंग कर रहे हैं कि कहीं शराब तो नहीं जा रहा है? हाँ, हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, मतलब उस तरह का, मतलब जहाँ शक होता है उस गाड़ी को रोक कर करके उसको चेकिंग कर। पता कैसे चलता है सर कि इस गाड़ी में पक्का? मतलब चेक करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ इसके पास है या नहीं है। तो आपने देखा कि जो बिहार की जो पटना पुलिस है वो भी बता रही है कि किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, अगजा को भी लेकर सुरक्षा बढ़ा दिया गया है। साथ ही चलिए और भी अगले चौराहे पे आपको दिखाएंगे कि अगजा के साथ साथ शराबबंदी को लेकर कितनी सुरक्षा बढ़ाई गई है, वहाँ पे भी तैनात पुलिस कर्मियों से बातचीत करेंगे। इस वक्त मौजूद है पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के पास, जो हमेशा खचाखच भीड़ों से भरी रहती है, लेकिन होली का त्यौहार आने की वजह से यहाँ पर भीड़ नहीं देखी जा रही है, जो कि ट्रैफिक भी नहीं है, आप देख सकते हैं पूरी ट्रैफिक खाली है। साथ में ये भी बता दूं कि बिहार में जो हम दिखा रहे हैं कि शराबबंदी को लेकर कितनी सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो यहाँ पर भी पुलिसकर्मी तैनात है और लगातार सुरक्षा को दिखाया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति शराब के नशे में ना हो या फिर शराब का सप्लाई नहीं हो, इसको भी लेकर दिखाया जा रहा है। साथ में ये भी बता दूं कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा भी नज़र आ रहा है पटना में कि जो यहाँ पे बाहर से पढ़ने लिखने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। साथ ही ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो रोज़गार के लिए आते हैं वो है, क्योंकि पटना खाली हो चुका है और यहाँ के लोकल ही सिर्फ बाकी है, और आप देखिए किस तरीके से रोड भी खाली है, यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ के लोकल ही नज़र आ रहे हैं। तो महान पर्व है, होली उमंग का चीज़ है, सभी भाई बहन मिल करके होली अच्छे से खेलें, एक दूसरे के गुलाल लगावें, ऐसा माहौल नहीं करें जिससे दूसरे को बुरा लगे, मिलजुल करके होली खेलें, नशा भूल करके भी कभी नहीं छुएं। ऐसे तो पूरे बिहार में नशा बंदी है, नशा नहीं करें, भांग गांजा भी नहीं छुएं, प्रेम आपस में बनाए रखें, प्रेम से अपना होली खेलें। हम लोग युवाओं से ही प्रार्थना है, हम अपना अपनी ड्यूटी में हम लोग लगे हुए हैं, ऐसे प्रशासन हम लोग 24 घंटा सतर्क रहता है, ऐसा व्यक्ति मिलता है तो उसको हम लोग पकड़ करके बंद करते हैं। जी सर।
तो आपने देखा कि सर ने भी अपील किया बिहार के युवाओं से कि देखिए सर, आप अगर पकड़ा जाते हैं आप तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। सर ने भी बताया आप होली अपने परिवार के साथ हर साल मनाइए, खुशी खुशी मनाइए, रंगराज है तो होली है, होली है तो हर मंग में उमंग है और ढेर सारी मस्ती है और खुशी है, उल्लास है, फगनौटा हर उम्र में बह रही है। अब देखिए छोटे बच्चे हो, बूढ़े हो या नौजवान हो, होली तो होली है उनके लिए, सबके लिए होली है। आपको मैंने दिखाया कि पटना में किस तरीके से सुरक्षा बढ़ाई गई है होली को लेकर, ये भी दिखाया गया और साथ में कुछ पुलिसकर्मी आपसे संदेश भी दिए आज के नौ युवाओं को कि नशा छोड़कर यानी शराब लेकर मत जाइए, इसमें अपनी ज़िंदगी मत खराब कीजिए। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए देखते रहे और हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन पंकज मिश्रा के साथ मैं करुणा तिवारी।